Smuggling and or illegal entry is common. United Nations just labeled the U.S.-Mexican border as the deadliest crossing in the entire world. The migration increase in violence. As they were crossing illegally. 1,238 migration deaths. Enormous group of several hundred migrants. 53 migrants. More than 5 million. So dosto, aaj humne ek bahut bada step liya hai. San Antonio, Texas se nikal kar. After seeing NASA in Houston, hum nikal pade hain world's deadliest border. That is none other than US-Mexico border. And ye border Indians ke liye bhi kafi famous hai. Agar aapko pata na ho, India is the 5th biggest community to cross US-Mexico border every year. And in 2019, 300 Indians were deported as well. Unhe Delhi wapas jana pada kyunki wo pakde gaye Mexico mein and they were not allowed to cross the US-Mexico border. To hum chale Mexican border ki taraf. ये पूरा पार्ट पहले मेक्सिको का पार्ट था. कोई भी डेवलपमेंट नहीं है बॉर्डर के पास. वेलकम टू वाल्डे. सो हेलो दोस्तों, अभी हम निकले हैं मेक्सिको बॉर्डर के लिए फ्रॉम सैन एंटोनियो टेक्सास. एंड रास्ते में एक सिटी पे हम रुके हैं जिसका नाम है वाल्डे. यहाँ पर एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं सोचकर बहुत हैरान था. जब मैं 5th या 8th क्लास में था, मैंने पेरेंट्स से मांगी थी कि मुझे गन चाहिए एज ए गिफ्ट. वो एक टॉय गन थी जिससे मैं सिर्फ स्टफ टॉयज के ऊपर शूट करता था. पर यहाँ पर एक बच्चे ने 18 की एज में एक बर्थडे गिफ्ट मांगा, तो क्या मांगा? एक रियल गन. टेक्सास एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन से ज्यादा गन्स है. एंड उस बंदे ने 18 की एज पे गन खरीद ली. एंड इस अपने ही एलिमेंट्री स्कूल में जाकर, रॉब्स एलिमेंट्री स्कूल जहाँ पर है अभी उल्वाडे में, जो रास्ते में आता है टू सैन एंटोनियो, अपने ही एलिमेंट्री स्कूल में उसने सारे के सारे एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश की. अराउंड 19 स्टूडेंट्स वर किल्ड एंड 2 टीचर्स. एंड इट वॉज वेरी वेरी ट्रेजिक. एंड उन सब की फोटोज हैं यहाँ पर. They had big dreams and big hearts. The sweet faces of the children gone too soon. School bachche bahut zyada hoti hain. Florida mein shooting hui thi. Sandy Elementary School jo ki Massachusetts mein hai, wahan pe ek mentally challenged tha, wo depressed tha. Us school teacher ka beta tha, uske apni hi mummy ke school mein jaake shayad 26 elementary school bachche ko shoot kar diya tha kuch saal pehle. फ्लोरिडा पे भी ऐसे ही हुआ था. बहुत सारे स्टेट्स में हो चुका है. छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो हुए हैं, छोटे मोटे मतलब कि 2 या 4 लोग मर गए. ओह माय गॉड, ये छोटा मोटा है. एंड सबसे ज्यादा बड़ी ट्रैजिक बात है कि यहाँ पर मास शूटिंग ये एक नहीं है, हर रोज यूएस के किसी न किसी कोने में होती रहती है. स्कूल तो छोड़ो, अगर आप मास शूटिंग्स एवरीडे सर्च करोगे यूएस में, आपको हर सिटी में कहीं ना कहीं दिखेगी. शॉपिंग मॉल्स में हुई है, सिनेमा हॉल्स में हुई है, कितने कितने केसेस है, चर्चेस में हुई है, वो जूस के सिनेगॉग्स होते हैं वहाँ पे भी मास शूटिंग्स की गई है, गुरुद्वारे में भी हुई है, गुरुद्वारे में भी हुई थी, विस्कॉन्सिन में. कहीं बच्चा ही नहीं है. मैं तो ये सोच रहा था कि जो सामने जो घर है, बच्चों पे तो बहुत ज्यादा बीती है, जो सामने घर है स्कूल के सामने उन पे क्या बीती होगी. वो तो बेचारे मतलब 2-3 दिन तक सो नहीं पाए होंगे ट्रैजिक इंसिडेंट देख के अपने आंखों के सामने स्कूल में. सबसे ज्यादा मुझे दुख है उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें वो सहना पड़ा जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाता. इस एज में बच्चों को खोना बहुत पेनफुल. यहाँ पे क्रूज कंट्रोल में मैं आराम से 140 किलोमीटर एन आवर पे चला रहा हूँ. स्पीड लिमिट ना गूगल मैप्स पे लिखी हुई है, ना यहाँ पे कभी बोर्ड आ रहा है. सभी लोग फुल भगा रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा. आराम से लाते भी खोल के क्रूज कंट्रोल में मजा ही कुछ और है. बॉर्डर के आसपास सारे के सारे रेस्टोरेंट्स भी मैक्सिकन है, दैट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस. अभी हमने यूएस कस्टम्स क्रॉस किया इन यूएस इटसेल्फ. सो यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे पहुंचने से पहले मैंने देखा कि हमें यूएस इमिग्रेशन क्रॉस करनी पड़ रही है. मैंने सोचा कि मैं मेक्सिको जा भी नहीं रहा, मैं यूएस में ही हूँ, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है. एंड वहां पर बॉर्डर चेक पोस्ट पे या फिर इमिग्रेशन सेंटर पे मुझसे पूछते कि आर यू ऑल यूएस सिटीजंस. मैं नहीं था, चैतन्य थे. उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला आई एम एन इंडियन. पहले पोस्ट पे तो उन्होंने मुझे जाने दिया, मैंने सेड इंडियन. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास पासपोर्ट एंड वीजा है. मैंने अपना फोन पे दिखा दिया, वहां पे नेटवर्क था. दूसरी पोस्ट पे वहां पर जब मैंने बताया आई एम एन इंडियन, वो कहते शो मी योर पासपोर्ट एंड वीजा. मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास फोन में है. इमिडिएटली कहते 30 डेज ऑफ जेल या फिर $2,400 फाइन दैट आई हैव टू पे
ऑन द स्पॉट मैं बहुत डर गया, मेरी धड़कने तेज हो गई, मेरी सांस रुक सी गई। मेरे साथ चैतन्य थे, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे काम डाउन किया एंड बताया कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। तो इमीडिएटली उसके बाद मैं बाहर निकला गाड़ी से, उन्होंने निकाला, उन्होंने मेरी सॉफ्ट कॉपी देखी पासपोर्ट और वीज़ा की, मेरा सारा रिकॉर्ड चेक किया, उसके बाद 15 मिनट्स बाद मुझे जाने दिया। मैं बहुत डर गया था। कहते कि आप अगर इंडियन हो या फिर इफ़ यू नॉट अ यूएस सिटीजन इन द यूएस यू नीड योर पासपोर्ट एंड वीज़ा एट ऑल टाइम्स। मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था कि यूएस की ऑफिशियल आईडी जो लाइसेंस है उससे चल जाएगा। सो बहुत डरावना था मेरे लिए। फाइनली दोस्तों वी हैव मेड इट टू मैक्सिकन बॉर्डर, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड दिस इज द रियो ग्रांडे रिवर, जो कि एक्चुअल में अभी रिवर दिख रही है पर उस साइड पर रिवर सूख चुकी है, इट हैज़ ड्राइड आउट बिकॉज यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये एक्चुअल में रिवर से, रिवर के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज़ मेक्सिको, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, बट क्योंकि रिवर हैज़ एक्चुअली ड्राइड अप, डेजर्ट की तरह सैंड बन चुकी है, सो यू कैन एक्चुअली वॉक एंड क्रॉस द बॉर्डर एज वेल, जिसके ऊपर मूवी बनी है आजा मेक्सिको चलिए, या फिर डंक की जो शाहरुख खान की आने वाली है। ना मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना इंडियन पासपोर्ट नहीं लाया, पर चैतन्य कर सकता है बिकॉज चैतन्य के पास है यूएस पासपोर्ट प्लस यूएस पासपोर्ट कार्ड, क्योंकि यूएस आपको पासपोर्ट बुक की तरह भी देता है एंड आपको कार्ड की तरह भी देता है, ताकि आप बाय लैंड कार्ड से कहीं भी जा सकते हो। चैतन्य आप बताना, आपके पास यूएस पासपोर्ट है, हमेशा रखते हो कार्ड जो है? पासपोर्ट कार्ड वो ड्राइवर्स लाइसेंस का जैसे ही होता है, वो मेरे पॉकेट में हमेशा रहता है टू प्रूव दैट आई एम अ यूएस सिटीजन, बट इट इज मोस्ट यूजफुल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय रूट टू मेक्सिको और कनाडा। आई सी। पासपोर्ट कार्ड से आप फ्लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि मैं पासपोर्ट नहीं लेकर आया हूँ। अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ गई मेक्सिको जाने की, मुझे जाने का कोई प्लान है नहीं वैसे, सो आई कैन स्टिल ट्रैवल टू मेक्सिको इफ आई वांट टू। आई सी। और ये लिटरली यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से ये रिवर देखो कितनी टाइट है, आप लिटरली वॉक करके बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो यार, इट इज क्रेजी। हेलो साहब, दो बज रहे हैं, खा लेते हैं यार। तो यहाँ पे अब फाइनली लेट्स ईट सम लंच। आलू गोभी है, दाल मखनी है, हरनूर का कुछ तो, चिकन का कुछ तो है। आई थिंक वी आर रेडी फॉर आवर लंच। ये रेस्टोरेंट बहुत स्पेशल है इन द बॉर्डर, मतलब यकीन नहीं हो रहा, मेक्सिको से कुछ कदम दूर है जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में सब होता है, ये तो शायद रिक्रिएशनल एरिया कुछ तो है। हाँ, जो मैप से दिखा दिया वो मान लिया मैंने, लेकिन पर एपिक जगह, यहाँ से रिवर दिख रही है, रियो ग्रांडे रिवर, इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है जो आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, वो हमने पैक करा लिया क्योंकि रास्ते में सिर्फ मैक्सिकन रेस्टोरेंट ही मिलते, नहीं पैक कराया था तो अभी हमारी वाट लग गई होती। हाँ, मतलब क्योंकि रास्ते प्लान किया हुआ था, वैसे भी मैंने इमरजेंसी खाना कुछ रखा हुआ है कार में, वो पाउच में, पाउच वाले में जो खाना था ना वैसा कुछ, क्योंकि रास्ते में एक्चुअल में सिर्फ आपको मैक्सिकन रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम कहने को यूएस में हैं पर रास्ते में एक भी अमेरिकन रेस्टोरेंट नहीं है, सब्वे तक नहीं है, मैकडॉनल्ड्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स हैं, टाकोज वगैरह, और हमें डर लग रहा था तो हम गए नहीं। ये हमारी विंड की डायरेक्शन भी मेक्सिको की तरफ जा रही है, ये डब्बे मेक्सिको पहुंच जाएंगे यार, ध्यान से। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा बॉर्डर के पास, सिर्फ मेरे पास आ रहा है बिकॉज आई हैव 5G फोन, 5G में नेटवर्क बेटर आता है एज कम्पेयर टू 4G, सो दैट्स व्हाई एक बंदे के पास शुक्र है कुछ ना कुछ नेविगेशन का सहारा है। Smuggling and or illegal entry is common in this area due to proximity of the international border. देखो मैप्स में, सो हम यहाँ पे मेक्सिको, यहाँ पर लिटरली हम कुछ कदम दूर है उससे कुछ मीटर, यहाँ पे फेंस हमारे यूएस के साइड में ही है ये वाला फेंस, वॉकिंग डिस्टेंस में 10 मीटर उस तरफ मेक्सिको है। यहाँ पे ना कोई वॉल है, ना फेंस, नथिंग, काफी इंटरेस्टिंग बॉर्डर है, सिर्फ केबल्स लगी हुई है, छोटी सी केबल्स लगी हुई है, वी कैन लिटरली वॉक टू मेक्सिको राइट नाउ। हाँ, नहीं पर आप अगर फिर भी क्रॉस करें आप फिर भी बच जाओगे, मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, मैं तो वापस भी नहीं आ पाऊंगा। वो सारे घर मेक्सिको में है, हमारे पीछे बॉर्डर पेट्रोल की पुलिस है, ना स्टारबक्स, ना सबवे, कोई अमेरिकन रेस्टोरेंट नहीं, कोई मेक्सिकन रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ सिटी में मिलता है, ये 3 घंटे की ड्राइव में एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट नहीं दिखा। अब चैतन्य को नींद आ रही थी तो हम बीच सड़क पर ड्राइवर चेंज कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेक, पूरे हाईवे पे सिर्फ हम हैं और कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया डंकी प्रोसेस के बाद,
इन USA ये बहुत भयानक स्ट्रगल होती है. बॉर्डर इतना बड़ा है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि US मॉनिटर कर पाए एवरी सिंगल चेक पॉइंट जहाँ पे लोग ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं. वो ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पूरा रियो ग्रैंड वैली, रियो ग्रैंड रिवर है ये, जो अभी सूखा हुआ है. और सामने ही हमारे मेक्सिको है, ये जो पार्ट है और वो जो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं वो पूरा मेक्सिको ही है. सो वहाँ पहाड़ से कैसे कोई उतरेगा और कैसे कोई क्रॉस करके यहाँ तक आएगा. सो इसीलिए स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, वरना US मेक्सिको बॉर्डर इतना बड़ा है कि वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि कौन इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ से आ रहे हैं. तो पूरा बॉर्डर तो मॉनिटर कर ही नहीं सकता कोई. लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ टेक्सस. सो टेक्सस एक्चुअल में एक टाइम था जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था, एंड टेक्सस वॉज द 28th स्टेट ऑफ अमेरिका. द 50 स्टेट्स भी नहीं बनी थी, एंड US वॉज ट्राइंग टू एक्सपैंड, एंड एक्सपैंड करते करते वो मेक्सिको के काफ़ी स्टेट्स लेना चाहता था, एंड US के पास डेफिनेटली ज़्यादा पावर थी. और उस टाइम पे मेक्सिको ने कहा नहीं, टेक्सस हमारा है, हमें दो. पर उस टाइम US ने ऑफर किया मेक्सिको कुछ पैसे कि यार हम खरीद लेते हैं आपसे, दे दो. पर मेक्सिको ने मना कर दिया, उसके कारण वॉर हो गई. एंड इसके बाद वॉर के बाद लिटली US ने $15 million दिए थे एट द टाइम इन मिड 19th सेंचुरी टू बाय Texas and other states, including California, New Mexico, around 18th century के मिड में था, and अभी उसकी value है around $500 million जितने US ने पे किए. पहले US ने इसका डबल ऑफर किया था, पर मेक्सिको माने नहीं, इस कारण वॉर छिड़ गई. US लोग पागल हैं कि ये मेक्सिको, ये रहा मेक्सिको सामने और यहाँ पे कैंप ग्राउंड लगा देंगे. इतना सब लोग यहाँ पे मजे से कैंपिंग कर रहे हैं एकदम बॉर्डर के एज पर. वो मेक्सिको, ये अमेरिका. यहाँ पे स्काई भी पिंक है. दिस इज माय फर्स्ट टाइम सीइंग द पिंक स्काई. आपको जो ये घर दिख रहे हैं, ये पहले मेक्सिको का पार्ट होते थे, एंड क्योंकि रिवर की डायरेक्शन सेम नहीं रहती थी तो कभी कभी कुछ घर US का पार्ट बन जाते थे, कुछ घर मेक्सिको का पार्ट. इसके कारण काफी मेक्सिकन US सिटीजन बन गए, क्योंकि rule is you have to be born in the US. क्योंकि कुछ पार्ट मेक्सिको का अचानक US लैंड बन गया, so they were technically born in the US and they became citizens. Now we are waiting for stars to come out ताकि हम star gazing कर पाए. Big Bend National Park is very famous for that. मून कितना ब्राइट है, तारे दिख रहे हैं.